हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग जान गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं आपके इंडियन नेवी डबल SSR एंड डबल ए के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। फ्रेंड्स आप लोगों के बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम लोगों का एग्जाम कंडक्ट हो गया है 2 से 4 के बीच, बट अभी तक हम लोगों को कट ऑफ का कुछ ऐसा नॉलेज नहीं जा रहा है कि कितना जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आपके डबल ए के कंडक्ट हैं, लेकिन आपको यहां पर कट ऑफ की वीडियो प्रोवाइड की जा रही है जिसमें आपको अंदाज लग जाएगा कि आखिरकार आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है क्या कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और फ्रेंड्स आपको बता दें, क्या आपको आती है वीडियो पसंद तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या कि दोस्तों यदि आप नेक्स्ट बैच की तैयारी कर रहे हो, आपको लगता है कि नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो फैंस इसमें इस चैनल पर जल्द से जल्द करीबन 1 वीक के अंदर अंदर आपके नेक्स्ट बैच की तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसमें आपको सिलेक्टेड फैकल्टी द्वारा तैयार की जाएगी आपके इंदौर की बेस्ट फैकल्टी, है ना। तो चलिए फैंस ज्यादा टाइम न लेते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं हर एक चीज को डिस्कस। तो डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं आपके इंडियन नेवी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 बैच आपके डबल SSR एंड डबल ए। फ्रेंड्स लेकिन आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि आप लोग यहां पर लास्ट ईयर के कट ऑफ पर नहीं जाना। आपने यदि पेपर दिया है तो फ्रेंड्स आपको पता होगा, हालांकि आपका यहाँ पर GK तो आपको थोड़ा नॉर्मल ही देखा, मतलब कहने का इजी देखा, लेकिन फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मैथ आपका बहुत डिफिकल्ट आया है। इस बार मैंने कैंडिडेट से बात की है तो कैंडिडेट ने बताया है फ्रेंड्स कि इस बार आपका जो मैथ था बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। हाँ हालांकि आपकी जो इंग्लिश थी वो इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, बट आपकी मैथ इस बार टफ आई है, तो मैथ में कैंडिडेट का स्कोर बहुत ही कम रहा। फ्रेंड्स बात करते हैं लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर का हरियाणा का कट ऑफ कितना गया था। जी हाँ दोस्तों, लास्ट ईयर का कट ऑफ गया था हरियाणा का करीबन 57। तो फ्रेंड्स अब इस बार कितना जाएगा कट ऑफ, तो दोस्तों आपको लास्ट ईयर पर नहीं जाना, क्योंकि फ्रेंड्स इस बार और लास्ट ईयर में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि लास्ट ईयर का और इस बार का कट ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर होने वाला है। अब फ्रेंड्स आप देखिए आपका कितना जा सकता है कट ऑफ। तो दोस्तों यदि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपके डबल SSR डबल ए में दोस्तों इस बार कट ऑफ रहने वाला है कितना। जी हाँ दोस्तों, आपका कट ऑफ रहने वाला है 25.25 के समथिंग। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका इतना मार्क्स आ रहा है, इतना स्कोर आ रहा है, तो बिल्कुल आप अभी से तैयारी करने लगे किसकी, आपके फिजिकल की। जी हाँ फ्रेंड्स, फिजिकल के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं मिलता। आपको पता होगा आपका जैसे रिजल्ट आउट होता है देन उसके 10 से 15 दिन के बाद आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाता है। तो फ्रेंड्स आप फिजिकल की तैयारी अभी से करें ताकि आपको बिल्कुल निराशा का मुंह ना देखना पड़े। अब फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट जो कि है क्या बिहार। तो दोस्तों यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं और आपने इंडियन नेवी आपके डबल SSR एंड डबल ए में मार्क्स गेन किए हैं कितने। जी हाँ दोस्तों, आपने मार्क्स गेन किए हैं आपके करीबन 38 से लेकर आपके 38.75 के समथिंग। और बात करते हैं दोस्तों क्या कि सर लास्ट ईयर का कट ऑफ किया गया था। तो फ्रेंड्स आपको बता दें आपके यहाँ का लास्ट ईयर का कट ऑफ था 40.25। जी हाँ दोस्तों, ये था आपका लास्ट ईयर का, बट लास्ट ईयर और इस साल की अपेक्षा बहुत ज्यादा पेपर का डिफिकल्टी लेवल मैटर करता है, और आपका पेपर इस बार लास्ट ईयर की अपेक्षा बहुत ज्यादा हार्ड आया है। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपके पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी करता है, आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। और यदि आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा इस बार करीबन 25% अटेंडेंस कम रही है। तो दोस्तों आपका 25% अटेंडेंस कम होने की वजह से यहाँ पर वैसे ही 75% कैंडिडेट के बीच में आपको कंपटीशन है। और दोस्तों आपके यहाँ पर डिफिकल्टी की वजह से आप लोगों का स्कोर इतना आ रहा है, तो बिल्कुल आप सेफ जोन में चल रहे हैं। आप जरा सी लापरवाही ना बरतें, नहीं तो आपका फिजिकल नहीं निकल पाएगा। आप फिजिकल की तैयारी करिए, आपका इतने मार्क्स में सिलेक्शन डन होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये तो हुआ किसका, आपके हरियाणा का और बिहार का। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले स्टेट का।
तो डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं आपके किसकी, आपके स्टेट त्रिपुरा एंड झारखंड की। कि दोस्तों आप लोगों का त्रिपुरा से आप बिलोंग करते हैं और झारखंड से, तो कितना कट ऑफ जा सकता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सर लास्ट ईयर में कितना कट ऑफ गया था। तो फ्रेंड्स त्रिपुरा का कट ऑफ सभी स्टेट से सबसे कम जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि लास्ट ईयर में यहाँ का कट ऑफ गया था कितना, 8 मार्क्स वाली। जी हाँ दोस्तों, 8 नंबर वाले यहाँ पर सिलेक्ट हो गए थे। अब बात करते हैं सर झारखंड का कितना गया था। तो दोस्तों झारखंड का आपका कट ऑफ करीबन 30 के समथिंग रहा था। फ्रेंड्स बात करते हैं सर कि आप इस बार का कितना जाएगा थर्ड सर आपका। दोस्तों यहाँ पर जो झारखंड का है थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन मेरी याददाश्त के अनुसार आपका 30 के समथिंग रहा होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दें कि आपका इस बार का कितना कट ऑफ जाने वाला है, आप ये देख लीजिए। फ्रेंड्स यदि आप बिलोंग करते हैं त्रिपुरा से, तो आपका कट ऑफ जस का तस रहने वाला है। मतलब इतने से कम कट ऑफ नहीं जा सकता। 8 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आंखें बंद करके भी लोग ला सकते हैं 8 मार्क्स। ओके, अब बात करते हैं सर झारखंड का कितने रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, आपके यहाँ पर झारखंड से आप बिलोंग करते हैं तो करीबन मार्क्स होने चाहिए करीबन जितने दोस्तों आपके 29 पॉइंट आपके 75 के समथिंग। यदि आपने इतना स्कोर आ रहा है तो दोस्तों विश्वास मानिए आपका सिलेक्शन डन है। आपका इतना स्कोर होना चाहिए, लेकिन है ना, यदि इतना है तो बिल्कुल अभी से फिजिकल की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि टाइम आपको ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। रही बात आपके रिजल्ट की, तो रिजल्ट भी आपको 10 से 12 दिन बाद दिखाई दे जाएगा, और जस्ट इसके 10 से 15 दिन बाद आप लोगों को फिजिकल ले लिया जाएगा। तो आपको टाइम बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, आप अभी से तैयारी करें। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट स्टेट का। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं आपके स्टेट केरल एंड ओडिशा। जी हाँ दोस्तों, कि आखिरकार आपके कितने मार्क्स आने चाहिए कि आप यदि केरल से बिलोंग करते हैं तो आप बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएंगे, एंड ओडिशा से बिलोंग करते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, बात करते हैं लास्ट ईयर की, कि लास्ट ईयर का कितना गया था सर कट ऑफ। तो दोस्तों आपको बता दें, लास्ट ईयर का आपके केरला का गया था कितना, 25.30 के या 25.50 के बीच इतना आपका रहा था लास्ट ईयर का कट ऑफ, है ना। अब बात करते हैं आपके उड़ीसा का। तो दोस्तों उड़ीसा का कितना रहा था फ्रेंड्स, आपका यहाँ का रहा था 30.75, 30.75 आपके लास्ट ईयर का कट ऑफ यहाँ का रहा था। अब दोस्तों बात करते हैं सर, ये तो लास्ट ईयर का हुआ, लेकिन इस साल का कितना रहने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दें, आपको लास्ट ईयर पे नहीं जाना, इस बार का आपका डिफिकल्टी लेवल पेपर का ज्यादा रहा है, और इसके साथ साथ आपका जो भी मैटर करता है हर एक चीज को देखते हुए दोस्तों आपका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कितना जा सकता है कट ऑफ इस बार, आप ये देख लीजिए। फ्रेंड्स आपको बता दें, यदि आप केरला से बिलोंग करते हैं और आपने मार्क्स बनाए हैं कितने, जी हाँ दोस्तों आपने मार्क्स बनाए हैं करीबन आपके 24.75 के समथिंग, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन यहाँ पर डन हो जाता है। यदि आपका इतना स्कोर है तो विश्वास मानिए आपका सिलेक्शन डन है। आपको नेक्स्ट लेवल की तैयारी करनी चाहिए आपके फिजिकल की, ओके, क्योंकि फिजिकल निकालना भी टफ है। अब बात करते हैं सर कि उड़ीसा का कितना। तो दोस्तों आपको बता दें, उड़ीसा का यदि आप मार्क्स ले आते हैं कितने, 29 से लेकर आपके 29.75 के समथिंग, यदि आपका इतना स्कोर आ रहा है तो आप विश्वास मानिए आपका सिलेक्शन भी यहाँ पर डन होने वाला है। इतने में आपका सिलेक्शन डन है, आप अभी से फिजिकल की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि फिजिकल के लिए टाइम नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे जाना, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया आपके झारखंड का, आपके त्रिपुरा, हरियाणा और आपके बिहार, केरला एंड उड़ीसा का। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कवर करेंगे करीबन जितने भी स्टेट आपके बचते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो की लेंथ हो रही है ज्यादा, या तो फिर दोस्तों आपको वो पार्ट इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, और फ्रेंड्स या तो फिर आपको यहाँ पर कॉर्नर में आपको साइन आ रहा होगा आई बटन का, वहां पर मिल जाएगा, आप कहीं भी देख लेना, आपको मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट, है ना। और फ्रेंड्स बात है रिजल्ट की, सर रिजल्ट कब आ जाएगा। तो जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पर रिजल्ट में टाइम नहीं लगता, आपके एग्जाम जैसे ही कंप्लीट होने वाले हैं, डबल ए के चल रहे हैं, कंटिन्यू हैं, आपके डबल एस आर के कंप्लीट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, आपका जो रिजल्ट है करीबन 18 से लेकर 20 फरवरी के समथिंग आपको देखने को मिल जाएगा 101%। इतना दिन बस इनाफ है, 18 से 20, तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, ओके। तो फ्रेंड्स वीडियो आई हो पसंद तो
लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर सकें। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।